हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बारिश के बाद आज देश प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। ये बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर आई है। प्रदेश में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं दिल्ली एनसीआर में भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से मौसम तो सुहावना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगह ये बारिश आफत भी बन गई। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है गुरुग्राम की, दूसरी तस्वीर है सोनीपत की और तीसरी तस्वीर है बहादुरगढ़ की। गुरुग्राम में जहाँ बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव हो गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गयी, तो वहीं गुरुग्राम के दर्जनों इलाकों में बिजली गुल रही। सोनीपत की बात करें तो यहां भी सड़कें पानी से लबालब हो गई। पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ में हालात ये हो गए कि पानी लोगों के घरों तक घुस गया। देर रात करीब 2 बजे से यहां बारिश हो रही है और इस बारिश ने पानी निकासी के सारे दावों पर ही पानी फेर कर रख दिया। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम के करवट लेने के बाद रात भर मूसलाधार बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई। कई जगह पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को लंबे जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं जलभराव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। दिल्ली में एक अंडरपास के पास एक बैलगाड़ी से लोग अचानक पानी में गिर गए। ये लोग बैलगाड़ी के जरिए पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश इनके लिए भी मुसीबत बन गई। उधर दूसरा नजारा भी दिल्ली का ही है, जिसमें नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो जलभराव से कार वाला डूबने से बाल बाल बचा। समय रहते पानी के अंदर कार में फंसे व्यक्ति को लोगों ने बचा लिया। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह जखीरा अंडरपास के नीचे काफी पानी जमा हो गया, जिसमें एक डीटीसी की बस, ऑटो, ट्रैक्टर और कार जलभराव के बीच फंस गए। कार और ऑटो को तो लोगों ने निकाल दिया, जबकि बस घंटों तक फंसी रही। हालांकि हर साल की तरह इस साल की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। सवाल यही है कि क्यों प्रशासन पानी की निकासी को लेकर गंभीर नहीं, क्यों इन समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये तीन जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक बारिश आने से यहां के लोगों का जो जनजीवन है वो किस तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं गुरुग्राम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बहादुरगढ़ की दिखाई, इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश से आने जाने वाले लोगों को किस तरह से परेशानी हुई वो भी हमने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई। ये आप देख सकते हैं पानी घर के भीतर तक घुसा हुआ है। बारिश आप देखिए कि शहरी इलाकों में तब होती है तो जबकि ये स्थिति है, और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बारिश तब होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती होगी। इस तरह की जो जलभराव की जो समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गुरुग्राम, जिसको साइबर सिटी कहते हैं, जिसके विकास के लाखों दावे किए जाते हैं, एक ऐसा शहर जो कि हरियाणा का प्रसिद्ध शहर है, जहां बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, यहां भी आप सड़कों की स्थिति देखिए, जरा सी बारिश होती है सड़कों पर पानी लबालब भरा मिलता है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और यहां पर आप देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति को यहां पर बचाया गया है जो कि कार में ही डूबने वाला था, जिसे आसपास के लोगों ने देखा और मानवता का परिचय देते हुए उसे समय रहते बचा लिया गया। आप ये गुरुग्राम की तस्वीरें देख रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत शहर आप देखिए, सोनीपत के आसपास बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत सारे गांव पड़ते हैं। जब भी बारिश आती है तो गांव में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं किया जाता। शहरों में सीवरेज व्यवस्था ठप हुई मिलती है और गांव की बात करें तो गांव में पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं मिलता है। लेकिन सवाल यहां यही पैदा होता है कि ये तीन बड़े शहर हैं, इन तीन बड़े शहरों में बारिश से इस तरह के हालात पनपे हैं, तो सोचे ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होने से किस तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, बात लगातार हम
विकास के कर रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं कि सरकार काम तो कर रही है लेकिन वो काम कहां नजर आ रहे हैं। यहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। ये आप देखिए, आलम ऐसा हो गया है कि जिन सड़कों पर लगातार वाहन दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर एक बैलगाड़ी का सहारा लेकर लोग अपने दफ्तर जाने को मजबूर यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए वो बैलगाड़ी से भी गिर जाते हैं। यहां पर आप ये तस्वीरें देखिए, सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां भी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। तो इस औद्योगिक क्षेत्र में भी आप देखें कितना विकास हुआ है। जरा सी बारिश होगी और सड़कें पानी से भरी हुई नजर आएंगी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आएगा। अगर बात हम बहादुरगढ़ की करें तो देखिए, बहादुरगढ़ के आसपास बहुत सारे गांव हैं, गांव का यह शहर है। जब भी शहर में बारिश आती है तो उसका प्रभाव गांव में भी पड़ता है, क्योंकि शहर का जो पानी है वो गांव की ओर निकासी के तौर पर निकाल दिया जाता है, जिससे गांव के जो घर शहर के नजदीक पड़ते हैं उनमें भी पानी भर जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश आने के बाद किस तरह से प्रशासन की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही है। तस्वीर देखिए आप, लोग अपने दफ्तर जाने की यहां पर बैलगाड़ी पर बैठकर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी वो यहां पर नीचे गिर जाते हैं। और स्थिति का जायजा लेने के लिए हम रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि वहां पर बारिश से क्या क्या हालात उत्पन्न हुए हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। राजेंद्र, आप यहां पर बताएं, बारिश हुई है, इसको लेकर लोग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, और साथ में अगर इससे होने वाली समस्या की बात करें तो क्या क्या समस्याएं फिलहाल नजर आ रही हैं? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा सानिया, कि जिस तरीके से रात से लगातार बारिश हो रही, तो कहीं ना कहीं बरसात ने नगर निगम के जो दावे हैं उनकी पोल खोल कर रख दी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सेक्टरों में पानी भर रहा है, सेक्टर 15 है और यहाँ पर लोग काफी परेशान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जा रहे हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ बने हुए, उनसे जान लेते हैं किस तरीके की परेशानी आप लोगों को हो रही है। पूछो मैंने सर, बस इतना कि बड़े उससे पैदल अपने व्हीकल छोड़ के अपने पैदल निकल रहे हैं, और जहाँ जूते की जरूरत है वहाँ चप्पल पहन के निकल रहे हैं, इतना बुरा हाल है। अभी तो बारिश इतना है भी नहीं जितना बारिश में, अभी यही तो थोड़ा नमूना है अभी बारिश का जो ये हाल हुआ है। देखो कितनी दिक्कतें हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, जो बाइक से चलने वाले, जो गाड़ी से चलने वाले, वो पैदल चल रहे हैं इस हाल में। देखो इस बारिश में आपका इतना ही होगा धन्यवाद जो हमारे इस समस्या को हल कर दे, और उनसे यही अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि वो जूते की बजाय चप्पलों को हाथ में लेकर पानी में जाते हैं, इस तरीके की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम सड़कों पर पानी भरा हुआ है और सड़कें टूटी हुई हैं, तो लोगों का जो हाल है वो बेहाल हुआ पड़ा है। और निगम प्रशासन ने जो दावे किए थे कि पानी नहीं भरेगा, लेकिन वो दावों की यहाँ पर आप पोल खुलती हुई देख सकते हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके का जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार इधर की साइड में जरूर दिखाएंगे, जहाँ पर जो है ये पूरा जो रेजिडेंस एरिया है जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, और तमाम जो सड़कें हैं उन सभी में जो है लगातार जो बरसात के कारण यहाँ पर बुरा हाल दिखाई देता है। जी सोनिया, राजेंद्र, अगर यहाँ के निवासियों की बात करें तो यहाँ के निवासियों ने इससे पहले भी इस तरह की स्थिति देखी होगी, इस तरह की समस्या देखी होगी, क्योंकि देखिए कि साल में बारिश होती रहती है और इस तरह की समस्याएं भी होती रहती होंगी। तो क्या प्रशासन से गुहार लगाई गई, प्रशासन को बताई गई समस्या के बारे में? सोनिया, मैं आपकी आवाज सुनने में असमर्थ हूँ, आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच पा रही है। राजेंद्र, मेरा सवाल ये है कि इस तरह के जो आलम है, इस तरह की जो हालत है वो साल में होती रहती है, और जिस तरह से अब भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि थोड़ी सी बारिश हुई और सड़क पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही है, तो यहाँ के स्थानीय निवासियों की ओर से क्या प्रशासन से गुहार लगाई गई कि यहाँ पर सीवरेज व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, सीवरेज व्यवस्था जो ठप पड़ी हुई है वो सुधारी जाए, राहत दी जाए, ताकि तब भी बारिश आए तो लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल सोनिया, पहले भी दर्जनों बार लोग यहाँ पर शिकायत दे चुके हैं, और लगातार जिस तरीके से हल्की बरसात में भी यहाँ पानी भर जाता है, तो लोगों ने कई बार विधायक से भी शिकायत की है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आश्वासन दिया जाता है उनकी तरफ से, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। ये यहाँ के शायद निवासी है, जिस तरीके से पानी भर रहा है, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को, इसको लेकर शिकायत भी आप लोगों ने की है तो कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, बहुत ज्यादा।
तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि काफी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल से वो लोग यहाँ पे रोड क्रॉस कर पा रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बरसात उनके लिए काफी जो भारी बन के आई है। राजेंद्र, तब भी बरसात आती है, प्रशासन के दावों की पोल तो खुलती ही है, सड़कों पर पानी तो नजर आता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बिजली की व्यवस्था की बात करें तो बिजली क्या इन्हें मिल पा रही है, या जब से बारिश शुरू हुई है तब से बिजली भी गुल नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, बिजली के भी लगातार कट लग रहे हैं, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं वो लोग भी यहाँ पानी में किस तरीके से नंगे पैर चलकर पानी में अपने घरों से बाहर निकले हैं, और साथ में हेलमेट लिया हुआ है, तो लगातार इनको जो परेशानी है देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई होगी, किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस पानी से। और बिजली की भी समस्या लगातार लोगों को बनी हुई है, क्योंकि बिजली के कट भी बराबर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सुन, बात करें ये लोग यहाँ से निकल के आए, इनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ इनको दिक्कतें होती है। भाई साहब, आप पानी में पैर से निकल के आए, कितना परेशानी आप लोगों को होती है? तो बिजली भी नहीं आ रही है, पानी से ज्यादा दिक्कत हो रही है, गटर का भी निकलता है, पीने वाला भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं सोनिया जिस तरीके से बता रहे हैं, जो गटर का पानी भी है वो भी सड़क पे आ जाता है, और साथ में बरसात का पानी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं भारी समस्या इन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, स्थिति से मुखातिब कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम रुक कर लेते हैं गुरुग्राम की, और जहां से हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आप भी बताएं गुरुग्राम में फिलहाल बारिश का क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, सड़कें किस तरह से पानी से लबालब नजर आ रही हैं? मनोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जरा बताएं कि बारिश से लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सड़कें तो लगातार पानी से डूबी हुई, पानी से लबालब तो नजर आ रही है, लेकिन लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं वो भी जरा बताएं। देखिए पूर्णिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल रात से ये बारिश जो है वो शुरू हुई है। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली लोगों को, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन लोगों की परेशानियों को ये सबब भी जरूर बनती जा रही है, क्योंकि निचले काफी गुरुग्राम के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे और इसके साथ साथ ही कई इलाकों में बिजली भी हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो लोग ऑफिस के लिए पहुंच रहे थे उन्हें देर से अपने घरों से रवाना हुए, क्योंकि पानी के चलते बड़ी मुश्किल से वो अपने घरों से निकल पाए, इसके बाद ही वो ऑफिस के लिए जा सके। उसके साथ साथ जो बिजली की भारी समस्या भी लोगों को देखने को मिली, क्योंकि बिजली की कटौती की वजह से बहुत सारे लोगों को नहाने में और इस तरह के काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी सोनिया, मनोज, सवाल ये भी उठता है कि देखिए गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र विकास के मामले में इतना पीछे कैसे है? चाहे गुरुग्राम बस स्टैंड की बात कर ले या सड़कों की बात कर ले, सड़कें टूटी हुई नजर आती हैं, बस स्टैंड पर पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर प्रश्नचिन्ह भी उठता है कि आखिरकार ये इस तरह की अव्यवस्थाएं क्यों है, प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सोनिया, बिल्कुल गंभीर सवाल खड़े करती है ये अपने आप में, जो व्यवस्थाएं शहर में फैली हुई हैं, क्योंकि समय समय पर दावा करता आया है जिला प्रशासन की इस बार मॉनसून से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है साइबर सिटी, लेकिन जिस तरह से रात से हो रही बारिश की वजह से जल भराव हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रश्नचिन्ह जरूर खड़े करता है जिला प्रशासन के उन दावों की स्कोप जरूर खोलता है। इनमें वो बड़े बड़े दावे करते आए हैं कि इस बार जो है वो पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की जो परेशानियों का सबब जो ये बारिश बनी हुई है, अभी भी बारिश शुरू हो चुकी है फिर से थोड़ी देर रुकने के बाद, हालांकि जो इलाकों में जिन इलाकों में पानी भरा हुआ था वहां पर जरूर वो चला गया था वापस सीवर में, लेकिन अभी दोबारा से जब बारिश शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशानी होगी इससे। जी सोनिया, मनोज, प्रशासन की ओर से मॉनसून आने से पहले जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी सुविधाओं के लिए, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या किसी तरह से कार्रवाई की जाती है, उनको राहत देने के लिए क्या प्रशासन की मुस्तैदी देखी जाती है? जी बिल्कुल नहीं सोनिया, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो झुग्गी झोंपड़ियों में या जो कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं उनकी तरफ से अभी प्रशासन की तरफ से अनदेखी की गई है, क्योंकि वो भी किसी तरह कहीं पेड़ के नीचे या अपने मकानों में जो उनकी छतें रिस रही हैं वहां पर किसी तरह से इस बारिश से बचते दिखाई दे रहे हैं। जी सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे संवाददाताओं से लगातार हम जुड़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन शहरों में बारिश हुई है वहां पर आम जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, बिजली नहीं है, इसी के साथ बिजली अगर शहर में आ भी रही है तो
कट लग रहे हैं बिजली में, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब रुक कर लेते हैं सोनीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, आप भी बताएं, सोनीपत में भी बारिश हुई है, कुछ तस्वीरें यहां की हमने देखी हैं, तस्वीरों में भी सड़क पानी में डूबी हुई नजर आई, पानी लबालब भरा हुआ नजर आया। अगर आम जनजीवन की बात करें तो वो कितना अस्त व्यस्त यहां पर नजर आ रहा है? घंटे हो चुके हैं, 14 घंटे की आप बारिश सामने साफ देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश है। ये HHIDC जो राई औद्योगिक क्षेत्र का जो मेन रास्ता है वो रास्ता है, ये आप साफ देख सकते हैं, जनता भी देख सकती है कि इस पर कितना पानी खड़ा है। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ की ये हालात है, जो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है इस पर टोल भी है, और आपको जनता दिखा दे कि कितनी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ पर जो लगातार ये व्यक्ति है जो फैक्ट्री में जाने वाले व्यक्ति हैं, जिनको काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर कहें तो कम से कम 5-5 फुट पानी जो खड़ा हो चुका है, और इसके ये इस पानी की खड़े होने की सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो ठेकेदार की है। कहीं ना कहीं इस रोड का जो काम जो है जो चल रहा था उसको अधरवे छोड़ दिया गया, तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर जनता कैसे परेशान है। ये स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है, इस पर टोल भी वसूल किया जाता है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर ठेकेदारों की कितनी बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर ये दुकानदार है, मार्केट है। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता लाजपत भी लगातार सोनीपत की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, राई के औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर लाजपत ने दिखाई और बताई कि किस तरह से यहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लाजपत, सवाल ये भी बनता है कि इस तरह की जो समस्या है वो आती रहती है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अलमोल है, और इस बारिश की पानी की कीमत जो है वो लापरवाही जो प्रशासन और सरकार की लापरवाही है। आपको दिखा दें यहाँ पर जो है व्यक्ति जो जा रहे हैं वो, ये मेन रास्ता है, पानी कितना खड़ा है ये आप साफ देख सकते हैं। ये जो लापरवाही है, ये इसका नाला जो है यहाँ साथ में रोड के साथ में जो नाला था उनकी जो ये छत हो चुका है उसकी सफाई नहीं हुई, ठेकेदार ने यहाँ पर लापरवाही की है, इसकी वजह से ये पानी जो काफी मात्रा में खड़ा हुआ है। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मजदूर है ये कहीं पर भी इसकी इसको चोट भी लग सकती है। पानी आप साफ देख सकते हैं, ये चलने वाला रास्ता है, मुख्य रास्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। ये बाजार है, ये मार्केट है, छोटे छोटे दुकानदार हैं इस मार्केट में, लेकिन जो परेशानी आपको साफ दिखा दें यहाँ पर जो ये मजदूर है, ये जो फैक्ट्री से आ रहे हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र का मेन रास्ता है, आपको दिखा दें ये जो मजदूर है ये फैक्ट्रियों से आने वाले हैं, और लगातार बारिश जो है अभी तक 14 घंटे हो चुके हैं, बारिश रुक नहीं रही है, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि अगर नाले की सफाई हो जाए तो ये पानी से राहत मिल सकती है, और इसमें जो प्रशासन की लापरवाही इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो है प्रशासन की लापरवाही, जो नाला है, ये जो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ है जो मेरे पीछे है बिल्कुल, इसके साथ से जो नाला है मार्केट के बीच से, उसकी सफाई लगातार नहीं हुई है। नगर निगम की लापरवाही है, नगर निगम का भी एरिया आता है, पंचायत गांव बड़मलिक का भी एरिया आता है, और काफी बड़ी मार्केट है जिसकी लापरवाही लगातार प्रशासन की है। और यहाँ पर ये जो है आपको साफ दिखा दें यहाँ पर जो ये साथ में है ये अनऑथराइज कॉलोनी भी है, इनको अनऑथराइज इसलिए कहेंगे कि ये लापरवाह है और ये नाले को बार बार ठप कर देते हैं, इसमें गंदगी फेंकने की वजह से आज ये हालात बन चुके हैं। अभी तक करीब 14 घंटे की बारिश जो है रुक नहीं रही है, अभी भी हम बारिश में मौके पर हैं, ये बारिश आप साफ दिख रही है, बारिश अभी भी रुक रुक कर आ रही है, लगातार जो बारिश आफत लोगों के ऊपर बरसती हुई नजर आ रही है। जिला सोनीपत में आज चलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, देश का सबसे बड़ा हाईवे जो नेशनल 44 जिसका नाम है उस पर भी हालात गंभीर बन चुके हैं, वो भी जनता के बीच है। आपको बता दें कि जो देश का सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से निकलकर पाकिस्तान तक जाने वाले रास्ते पर भी पानी काफी खड़ा हो गया है, और लापरवाही ठेकेदार की इसलिए कि यहाँ पर काम भी चल रहा है लेकिन उसमें काम चलने की धीमी गति की वजह से लगातार जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। आज जो पूरा का पूरा क्षेत्र हरियाणा सोनीपत जिला बिल्कुल अस्वस्थ हो चुका है। जी सोनिया, लाजपत, इसी बीच सवाल ये भी उठता है कि ये हाईवे NH44 है, लेकिन इसकी भी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, पानी यहां पर भरा हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जरा सी बारिश होती होगी तो वहां पर कितनी समस्याएं उत्पन्न होती होंगे, जरा ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर भी बताएं। अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, गांव जठेड़ी में हम गए थे और जो पंचायत का जो रिकॉर्ड था वो पूरी तरीके से बीत चुका है, वो लाइव तस्वीरें जनता के बीच में है, हम दिखाएंगे।
और जो रिकॉर्ड था पंचायत का वो बीत चुका है। और उसमें घर में जब हम घुसे तो करीब 3 फुट पानी पूरे घर में घूम चुका था, जिसकी लापरवाही एनएचआई की भी है, क्योंकि जो रोड है ये स्टेट हाईवे बादरगढ़ है और इसके साथ से जो नाला था वो ठप था और उसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से गांव के सरपंच जो मौजूद सरपंच है महिला है उनके घर में पूरा पानी पानी हो गया, पूरा सामान जो है वो किश्ती की तरह तैरता हुआ नजर आया, जो कि पंचायत की रिकॉर्ड का जो पानी था वो जो रिकॉर्ड था वो भी भीग कर पूरा का पूरा भीग गया है। इसमें ऐसे में जो पंचायत है उसने आरोप लगाया है कि इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि लगातार जो पंचायत लिखित रूप में दे चुकी है उसके बावजूद जो प्रशासन की लापरवाही सामने आई है कि आज रिकॉर्ड भीग गया और उसकी रिकॉर्ड की जिम्मेवारी प्रशासन की भी बनती है और सरकार की भी बनती है। ऐसे में सरपंच ने लगातार जो आरोप लगाए हैं वो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जो पंचायत का रिकॉर्ड है वो पूरे गाँव का रिकॉर्ड होता है, सरकार का रिकॉर्ड होता है, हर व्यक्ति का उसमें रिकॉर्ड होता है, विकास का रिकॉर्ड होता है, जिसकी आज लापरवाही जो खामियाजा जो गांव जठेड़ी को भुगतना पड़ा, क्योंकि बात करें तो विकास का जो भी काम था उस रिकॉर्ड में था, अब वो खाना पूर्ति कब होगी कैसे क्या कार्रवाई होगी ये लापरवाही है। और जो पंचायत ने कहा कि हमने डीसी एसपी और 100 नंबर पर भी कॉल की है, सबको फोन किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। लाइव तस्वीरें जनता के बीच में दिखाएंगे कि कैसे उस घर में पानी घुसा है, कैसे वो परिवार परेशान है, जब गांव का मौजूद जो सरपंच है वो परेशान है तो आम जनता कैसे परेशान होगी, गांव की यह हालत। बिल्कुल, तो लाजपत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनीपत की। लाजपत, सवाल यह भी उठता है कि जब बारिश आती है शहरों की जो बिजली है वो तो हालांकि गुल हो ही जाती है, लेकिन गांव की जो अव्यवस्थाएं हैं वो और भी ज्यादा देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमें मुखातिब कराने के लिए सोनीपत की स्थिति से। तो हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं वो तस्वीरें वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिरकार विकास कहां हो रहा है, क्योंकि देखिए थोड़ी सी बारिश होती है गांव में भी पानी खड़ा हो जाता है। शहरों में तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीर हमने दिखाई, बहादुरगढ़ की तस्वीर हमने दिखाई, सोनीपत की तस्वीर भी दिखाई, इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, आने जाने वाले लोगों को किस तरह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।